सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिलाई में आने वाले कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा कि किस काम में ये टूल्स आते हैं और इनसे आपको क्या फ़ायदा होगा, इसे कैसे यूज़ करेंगे। तो ये सीखने के लिए और जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये इसका यूज़ बताऊंगा, इसका क्या काम है, कैसे यूज़ करेंगे। तो इन दोनों को भी हम हटा देते हैं। तो दोस्तों, इसका जो नाम है दोस्तों, इसे हम कहते हैं कटर। ठीक है, ये कटर ज़्यादातर लेडीज़ें यूज़ करती हैं और भी काफ़ी चीज़ों में काम आता है। जैसे कि अगर आप ओवरलॉक कर रहे हैं तो छोटे छोटे धागे कटिंग करने में काम आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कपड़ा है, ठीक है, धागे निकल रहे हैं, आप इस धागे को आराम से इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। ये इस काम में आता है, आप देख सकते हो कपड़ा भी काट रहा है, काफ़ी तेज़ धार होती है। और ये आपको आराम से दोस्तों 15-20 रुपये का आपको ही मिल जाएगा, जहाँ से आप धागा बुकरम वगैरह लेते हैं वहाँ से। और इसका एक काम और है, जैसे कि आप, मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है, आप देख सकते हैं एक अलग धागे से मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है। तो आप देखिए इसे क्या करना होता है, जैसे कि कभी कभी सिलाई खोलने में किसी को परेशानी होती है, तो आप इसको ऐसे रख के देखिए, इसको ऐसे लगा के यहाँ पे कट मार दें, ये धागा कट गया। ऐसे करके आप यहाँ पर आराम से दोस्तों यहाँ पर कट लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कट लग गया। अब दूसरी तरफ से आपको ये धागा पकड़ लेना है और जहाँ तक कट लगाया वहाँ तक आराम से दोस्तों ईजी सिलाई खुल जाती है। और ये जो धागे होते हैं इनको आप आराम से हाथों से हटा लो। तो देखिए इस तरीके से दोस्तों आप ये कर सकते हैं, वरना हाथों से खोलने की आदत हो तो हाथों से ही खोल सकते हैं। बस ये टूल्स किस काम में आते हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये दोस्तों कटर का यूज़ होता है, वो कटर का यूज़ छोटे छोटे धागे कटिंग करने में, जैसे कि आप मान लो ओवरलॉक कर रहे हो या कैंची, कभी होता है कि धार खत्म हो जाए छोटे मोटे धागे कटिंग करने, तो उसमें भी आपको फटाफट कपड़ा ना काटना हो। जैसे कि एक सूट कटिंग कर लिया आपने और आपको सिर्फ सिलाई करनी हो धागे कटिंग करने, तो उसमें ये इससे भी पूरे सूट को आप बना सकते हो, धागे कटिंग में यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इसे कटर कहते हैं, 15-20 रुपए का आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब आ जाता है हमारा ये वाला, दोस्तों ये जो होता है, ये इसका नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो चीज़ है दोस्तों आपको आराम से मिल जाएगी। आप ये चाहे तो थंबनेल ले सकते हो इसका, ये थंबनेल स्क्रीनशॉट खींच लो और यहाँ पर जाने के बाद आप देख लेंगे तो नीचे की तरफ में आपको एक नोक दिखेगी और एक यहाँ पर मोती सा बना हुआ है। ये क्यों बना है, इसका क्या यूज़ है, मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये भी धागा खोलने के काम में आता है और आप यहाँ पर देखेंगे ये जो लंबा वाला हिस्सा है इसे कैसे धागा यूज़ करेंगे। और ये जो गोलाई में आपको नीचे दिख रहा होगा, दिखाता हूँ मैं हल्का फोकस करके यहाँ पर, ये दोस्तों यहाँ पे एक धार होती है। धार किस तरीके की होती है तो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि जैसे अभी हम कटर में ऐसे डालने का कट लगा रहे थे, लेकिन इसमें क्या करना होता है, आपको ऐसे करना है देखिए, और सिर्फ आगे ले जाना है ऑटोमेटिक। ये जो दोस्तों धागा फंसाना है, ये धार है, धागा ये आराम से अपने आप काट देगा। देखिए इस तरीके से ये काटता चले जाएगा, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए ये भी आपका आराम से 210 रुपए का आपको ये मार्केट में मिल जाएगा और ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन इसे सिलाई खोलने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो जैसे कि हमने इसे भी, अगर आपका कटर नहीं है तो आप इसे भी ले सकते हैं सिलाई खोलने के लिए। कटर आपका धागा काटने के काम आता है, लेकिन ये खोलने के लिए स्पेशल दोस्तों ये बहुत काम की चीज़ है। और देखिए मैंने यहाँ तक पूरा इसे कटिंग कर दिया, अब उल्टी तरफ से दोस्तों धागे को पकड़ूंगा और इसे हम ऐसे करके देखिए खोलेंगे, पूरा का पूरा धागा खुल गया। अब इन धागों को हम यहाँ पर हटा लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ ये दोस्तों पूरा का पूरा हमारी सिलाई खुल गई। अब इसका एक काम हो रहा है दोस्तों, ये तो हमने अभी आपको नोक से बताया। अब जो आपका ये जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पे हमारा ये प्लास्टिक वाला बना है रेड कलर का, तो ये वाला जैसे कोई हिस्सा आपने जोड़ रखा ये वाला हिस्सा, तो इसको हम इस तरीके से दोस्तों देखिए ऐसे लगाना है। ठीक है, और यहाँ धार होती, याद रखें अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, अगर आप बिना उसके करेंगे तो ये आपका कपड़ा भी काट देता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो इससे आप तसल्ली से देखिए ऐसे लगाएं और इसको आगे तरफ करेंगे तो ये देखिए ये आपका इस तरीके से, देखिए मैंने पकड़ लिया, ध्यान से देखें, और अब मैं आगे तरफ कर रहा हूँ तो देखिए ये कितने आराम से इसने धागे को काट दिया। ठीक है, अब मैं इसे खोल के हटा देता हूँ और आप देख सकते हैं धागा कटिंग करने के बाद ये पूरा धागा भी, ये देखिए आपका इस तरीके से इसने कर दिया पूरे के पूरे धागे को। तो ये बहुत आसानी से दोस्तों इसे आप खोल सकते हो कोई सिलाई, अगर आपको खोलनी है नाखून, कभी कभी होता है कि नाखून काट लेते हैं तो दर्द होता है और हम सिलाई पकड़ के नहीं खोल पाते, तो उस चीज़ में ये काम बहुत आता है। लेकिन याद रखें जिस तरीके से इसने धागा काटा ना ये वाला, दोस्तों कपड़ा भी काट देगा, तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट होना जरूरी होता है। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करें, जैसे मैंने थोड़े कपड़े पर आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे ही आप किसी कपड़े पर प्रैक्टिस करें, उसके बाद इसको हटा के ऐसे आप सरकाते ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, इधर आपकी एक धार होती है, तो दोस्तों ये धार आपके सारे धागे को कटिंग कर देगी। तो ये मैं आपको दो चीज़ बता चुका हूँ दोस्तों, ये कटर होता है, इसका नाम मुझे नहीं मालूम इसको क्या कहते हैं, लेकिन आप आराम से इसको दिखा के 10 रुपये का आपको मिलेगा, ये आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है जो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये है, इसको हम कहते हैं गरारी।
दोस्तों गरारी क्या है कि आपको आराम से जहाँ से धागा वगैरह लेते हैं आप ले सकते हैं, और इस तरीके का ही आता है ये भी, आपका 5-6 महीने आराम से चल जाता है, 2500 रुपये की आपको मिलेगी। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कपड़ा है और इस कपड़े में हम डबल करके अक्सर कोई भी चीज़ कटिंग करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, कोई निशान हमने मान लीजिए आपकी ये बाजू है, ठीक है, ये आपके बाजू है और बाजू में आपका ये निशान है मोरी का, ठीक है, यहाँ से मोरी का यहाँ आपका साइज़ का निशान हो गया। तो क्या होता है अक्सर दोस्तों, एक तरफ तो हम सिलाई लगा लेते हैं आसानी से, क्यों लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो है निशान लगा होता है, दूसरी तरफ हम निशान लगा नहीं पाते। तो दोस्तों मैं पहले आपको ये कटिंग करके दिखाता हूँ, फिर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब दोस्तों मान के चलें मैंने बाजू की तरह कटिंग कर लिया, आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग सेंटर में इसलिए रखा है, मान के चलो ये आपकी दो बाजू हैं, ठीक है, और आपकी एक तरफ तो आपने सिलाई लगा ली, लेकिन आपको इक्वल सिलाई लगानी है, दूसरी तरफ आप नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों उस जगह पर आपका ये कटर काम आता है, ये वाला काम आता है गरारी, ये देखिए इसे गरारी कहते हैं। इसमें आपको उंगली ऐसे रखनी है, जो आपका ये निशान है ध्यान से देखें, ऐसे रखा होगा कपड़ा, और इसको ऐसे रखने के बाद, ठीक है, मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ, आप अच्छी तरह देख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, इस जगह देखिए कोई भी निशान नहीं है, आप इसको ऐसे करके यहाँ पर, अब देखिए मैं यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ, लेकिन इसका तरीका होता है दोस्तों, कभी कभी कोई कपड़े पे ही कपड़ा ऐसे फिसल जाता है शुरू में, तो इसकी भी आदत बनानी होती है। नीचे दरी अगर आपने कटिंग में बिछा रखी है तो आपकी बहुत अच्छे से गरारी का निशान लग जाएगा। तो ये देखिए आपको ऐसे करके थोड़ा दबा के रखना है, और यहाँ पर कपड़ा पकड़ के आप देखिए इसी निशान पर थोड़ा थोड़ा ऐसे मार्क दबा के, वो जब आप आगे की तरफ आएंगे तो ये दोस्तों आपको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक निशान सा आपको उठ के नज़र आ गया, थोड़ा और पास से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो ये आप निशान देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, या तो आप इसी निशान पे काम चला लो, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं निशान लगा लिए, हम चौक के निशान नहीं लगाते, डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। चौक के निशान हम उसमें लगाते हैं, जैसे प्रिंटेड कपड़ा है कोई, उसमें ये निशान थोड़े थोड़े धुंधले नज़र आते हैं, तो उसमें हम निशान लगा लेते हैं, लेकिन प्लेन पर बहुत ईजी नज़र आते हैं, तो हमें जो चौक का निशान लाने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट इसी में दोस्तों इस तरीके से जो है सिलाई इसी पे लगा लेते हैं, लेकिन आप ऐसे निशान भी लगा सकते हो। और इसका क्या फ़ायदा है दोस्तों, इसका फ़ायदा एक और है, जैसे कि आपने कोई प्लेटेड वाला सूट कटिंग करा, अब आपने यहाँ पे प्लेट के उसमें हम कैंची की मदद से इस तरीके से निशान उठाते हैं, जिससे कि दोनों तरफ निशान हमारे उठ जाते हैं, जैसे कि हमने ये निशान लगा रखे हैं और हमने कैंची इसी के ऊपर ऐसे रखी, ठीक है, तो यहाँ से एक तो खतरा होता है कि आपकी कैंची की नोक से कपड़ा कट सकता है, फिर नीचे निशान उठता है, फिर हमें इसे ऐसे घुमा के निशान लगाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास गरारी है तो सिंपल आपको क्या करना है, ये निशान लगा के एक निशान ऐसे सीधा रख लेना है, और यहाँ पर गरारी को ऐसे स्टार्ट करना है यूं, और इधर वाली साइड में इस तरीके से निशान लगाना है, तो क्या होगा आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये क्रॉस क्रॉस निशान देख के कि हमारे यहाँ से प्लेट स्टार्ट है और यहाँ पे हमें ख़त्म करनी है। तो ये आपका ब्लाउज में जो होते हैं उसमें भी बहुत काम आएगा, सूट में जो साइड की सिलाई होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो दोस्तों ये छोटे टूल्स हैं लेकिन ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो दोस्तों ये तीन चीज़ के बारे में आपको इसमें इन्फॉर्मेशन दी है, और आपको एक बार रेट दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, ये आपका सिलाई खोलने वाला 10 रुपये का मिल जाएगा, ये आपका धागा कपड़ा कटिंग करने का छोटा छोटा ये आपको कटर ये आपका 15 से 20 रुपये का मिल जाएगा, ये 20 रुपये का मिलेगा, ये गरारी है दोस्तों ये आपको 25 रुपये की मार्केट में ईजी मिल जाएगी। और दोस्तों ऑनलाइन अगर आप लेते हैं ये चीज़ तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलेगी, तो मैं आपको राय दूंगा कि ऑनलाइन ना लेखें, आप भी अपने आस पास किसी टेलर के पास ले लें, और तीनों के तीनों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसकी जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से भी मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके की नई नई जानकारी लेके आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।